क्या होता है कि दो ग्राम पंचायतों के बीच में जो ग्राम पंचायत को जोड़ने वाली सड़कें होती हैं या फिर उसके बीच में कुछ ऐसी भूमि बची होती हैं, कुछ पुलिया होती है या फिर कोई बंधा का काम होता है, ये सब क्षेत्र पंचायत निधि से जो है ग्राम पंचायतों के बॉर्डर्स पे किए जाने संभव हैं। दोस्तों जितने भी सारे हमारे गाइडलाइंस बनी है, जितनी सारी अधिसूचनाएं हैं, ये मुख्य रूप से क्षेत्र पंचायत के लिए आई हैं। और ये BDC मेंबर हमारे जो होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी, ये हमारे BDC क्षेत्र सदस्य जो होते हैं, ये हमारे क्षेत्र पंचायत के साथ मिलकर काम करते हैं। दोस्तों जिस तरह से हमारे ग्राम पंचायत में ये 6 समितियां होती है, ठीक उसी तरह से हमारे क्षेत्र पंचायत में भी ये 6 समितियां होती हैं, सेम टू सेम। दोस्तों जिस तरह से हमारे ग्राम पंचायत में ऊपर से 3 समितियों का जो सभापति होता है, प्रधान होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी 3 समितियों का सभापति जो होता है वो ब्लॉक प्रमुख होता है, बाकी तीनों के सदस्य जो है मिलकर के किसी को बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे बता दें, मुख्य रूप से क्षेत्र पंचायत की जो बैठकें होती हैं ये भी ठीक प्रक्रिया बनाई गई है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक 2 महीने में एक बैठक सुनिश्चित की जाती है और जो इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों यहाँ पे जिस तरह से ग्राम पंचायत में 1000 जनसंख्या पे ग्राम पंचायत का गठन होता है, ठीक उसी तरह से क्षेत्र पंचायत की 2000 जनसंख्या पे गठन किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि क्षेत्र पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य 2 अलग अलग चीज़ें हैं, इनको हमको प्रॉपर्ली समझना होगा, क्योंकि सभी अधिसूचनाएं जो हैं क्षेत्र पंचायत से जुड़ी होती हैं, इसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य सहयोग करके उनके साथ में काम करता है। यहाँ तक बता दें, क्षेत्र पंचायत सदस्य का ना कोई खाता होता है और ना इनको मानदेय मिलता है, लेकिन जो बैठकें होती हैं प्रति बैठकों में इनको कुछ ना कुछ जो है यात्रा भत्ता वगैरह दे होता है और इनको प्रति बैठकों में दिया जाता है। दोस्तों हम BDC मेंबर्स के बारे में आगे कुछ बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम बात कर लें क्षेत्र पंचायत के दायित्व और कार्य के बारे में। दोस्तों यहाँ पे पहले हम बात करते हैं क्षेत्र पंचायत को हस्तांतरित कुछ कार्य के बारे में। दोस्तों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन करना, विकास खंड स्त्री पशु चिकित्सा बीज केंद्र का संचालन करना, क्षेत्र पंचायत स्तर पर चलाए जाने वाले विकास कार्यक्रम को चलाना, उसके साथ साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने हेतु विपणन गोदामों के पूरा परीक्षण का कार्य जो है ये क्षेत्र पंचायत की जिम्मेदारी होती है। क्षेत्र पंचायत का निर्माण कार्य के प्रति अधिकार व दायित्व के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम 1961 में क्षेत्र पंचायत को अधिकार दिया गया। दोस्तों यहाँ पे जैसे किसी सार्वजनिक स्थान या क्षेत्र पंचायत की संपत्ति से लगी हुई किसी भी इमारत में निर्माण का कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक क्षेत्र पंचायत इसके लिए अपनी मर्जी नहीं देगा, अपनी स्वीकृति नहीं देगा। दोस्तों इस बात का उल्लंघन कोई करता है तो क्षेत्र पंचायत को इसे गिराने का भी अधिकार है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि क्षेत्र पंचायत की निधि से बने हुए जो भी भवन या निर्माण कार्य इस तरह से हैं, अगर उन पे कोई भी काम हो रहा है तो क्षेत्र पंचायत की अनुमति से होगा, अगर उसकी अनुमति का पालन नहीं हो रहा है तो क्षेत्र पंचायत उसमें बदलाव करने या फिर उसे गिराने का पावर अपने अंदर रखता है। दोस्तों हम आगे बात कर ले तो क्षेत्र पंचायत अपने इलाके में सार्वजनिक नालियों का निर्माण कर सकता है। इसमें वो किसी भी सड़क के नीचे से या फिर किसी स्थान के बीच से या किसी दूसरे के ज़मीन से भी उस नाली को क्रॉस कर सकता है, लेकिन नियम ये होगा कि उसके मालिक से एक बार उसे स्वीकृति लेनी पड़ेगी। दोस्तों क्षेत्र पंचायत में उसके अधिकार में आने पेड़ को काटने या इमारत में परिवर्तन जैसे मामलों में जिससे सड़क व चलने पर लोगों को अवरुद्ध हो रहा है, तो ऐसे पेड़ या इमारत को गिराने में बदलाव करने में क्षेत्र पंचायत से लिखित रूप से दाद लेनी जरूरी होती है। दोस्तों अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत ऐसी सार्वजनिक संस्था जिसका अनुच्छेद पूरी तरह से क्षेत्र निधि से होता है, उसका सारे प्रबंध की जो जिम्मेवारी होगी क्षेत्र पंचायत की होगी। दोस्तों मुख्य रूप से हम यहाँ पे बात करते हैं क्षेत्र पंचायत संबंधित कुछ कर्मचारियों की जो कि क्षेत्र पंचायत से मिलकर के सहयोग करके काम को करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे प्रथम में होता है खंड विकास अधिकारी। दोस्तों बताना चाहेंगे खंड विकास अधिकारी जो होता है यही आपका क्षेत्र पंचायत के सचिव भी कहा जाता है, जिससे ग्राम पंचायतों में सचिव का दायित्व एक सेक्रेटरी निभाता है, ठीक उसी तरह से क्षेत्र पंचायत में ये जो BDO होते हैं खंड विकास अधिकारी, ये क्या करते हैं, ये सचिव की भूमिका को निभाते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ सहायक विकास अधिकारी, ADO एग्रीकल्चर, अवर अभियंता जिसे हम RED कहते हैं, ADO सहकारिता, ADO ST, ADO ISB, अवर अभियंता लघु सिंचाई विभाग, ग्राम विकास अधिकारी, बोरिंग टेक्नीशियन, ये सब सारे जो हैं दोस्तों, ये सारे जो इम्प्लाइज हैं ये क्षेत्र पंचायत से जो है मिलकर के एक तरह से काम को करते हैं। दोस्तों क्षेत्र पंचायत में जो वित्त का हस्तांतरण है ये शासनादेश के माध्यम से कभी कभी चेंज हुआ करता है। पहले क्षेत्र पंचायतों को निधि अधिक प्राप्त होती थी, लेकिन अभी क्या हुआ, कुछ दिनों से कुछ वर्षों से ये चीज़ें चेंज हो गई हैं और अभी ग्राम पंचायतों में सीधे सीधे 90% जो है पैसों को ट्रांसफर किया जा रहा है और बाकी संक्रमित धनराशि जो बची है वही क्षेत्र पंचायतों को दी जा रही हैं। तो एक तरह से यहाँ पे धन का भी संक्रमण जो है ये कम हो गया है, इससे थोड़े विकास कार्य अवरुद्ध हुए हैं। तो लेकिन यह संविधान का नियम नहीं है कि इस तरह से, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ग्राम पंचायत सबसे नीचे में, मध्यम स्तर पर आपके क्षेत्र पंचायत और उच्च स्तर पर आपके जिला पंचायत, तीनों का गठन हुआ है, तीनों को समान दर्जा दिया गया है।
लेकिन कुछ रीजन से कुछ शासन देश ऐसे आ गए हैं कि जिसमें ग्राम पंचायत, क्योंकि शासन का भी मानना है कि ग्राम पंचायतों में सारे कार्य एक तरह से स्थापित होते हैं, कोई भी क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत वो भी किसी न किसी ग्राम से अटैच होती है और मुख्य रूप से विकास कार्य जो होते हैं ग्राम पंचायतों में किए जाने हैं, इसलिए वो जो निधि है सीधे उठा के ग्राम पंचायतों में ज़्यादातर ट्रांसफर की जाती है। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ तरह की निधियाँ हैं कि जो क्षेत्र पंचायत को मिलती हैं, तो इसके बाद भी जैसे कि मनरेगा और राज्य वित्त से जो संस्कृत धनराशि है ये अभी क्षेत्र पंचायत को प्राप्त हो रही है, तो हम इस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मुख्य रूप से होता है कि दो ग्राम पंचायतों के बीच में जो ग्राम पंचायत को जोड़ने वाली सड़कें होती हैं या फिर उसके बीच में कुछ ऐसी भूमि बची होती हैं, कुछ पुलिया होती है या फिर कोई बंधा का काम होता है, ये सब क्षेत्र पंचायत निधि से जो है ग्राम पंचायतों के बॉर्डर्स पे किए जाने संभव हैं। दोस्तों इसके लिए हम बताएं कि बीडीसी मेंबर को क्या होता है। देखो बीडीसी मेंबर एक तरह से क्षेत्र पंचायत के साथ मिलकर के काम करता है। दोस्तों ये अपनी होने वाली बैठक में अपनी कार्ययोजना बना करके क्षेत्र पंचायत में अपनी बैठक में स्वीकृत करा करके काम कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे जहाँ तक बात करें फंड भुगतान की, फंड भुगतान किसी पर्टिकुलर के हाथ में नहीं आता दोस्तों, अब यहाँ पर भी सेम ग्राम पंचायत का सिस्टम लागू है। ई गवर्नेंस प्रोग्राम के माध्यम से, ई ग्राम स्वराज के पोर्टल माध्यम से ही सारे भुगतान की प्रक्रिया पीएफएमएस के द्वारा की जाती है। इसका मतलब कि पैसा जो होगा वो काम कराने वाले मजदूर के खाते में या फिर सीधे सीधे जो है फर्म वाले के खाते में जाएगा, ना कि किसी के हाथ में पैसा आता है। दोस्तों मेन बात करें यहाँ पे बीडीसी मेंबर्स के कोई खाते नहीं होते और इनको सीधे पैसे हाथ में नहीं मिलते हैं। दोस्तों पेजल पे हैंडपंप की बात करें तो हैंडपंप क्षेत्र पंचायत लगवा सकता है, लेकिन उसके पहले ग्राम पंचायत में जल स्रोतों को समुचित जानकारी के बाद ही हैंडपंप लगवाना देना संभव होता है। हैंडपंप का रखरखाव, अनुश्रवण करना व मरम्मत मिस्त्रियों को उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विकासखंड स्तर पर परीक्षण आयोजित कराने की जो है व्यवस्था करना, ये भी क्षेत्र पंचायत की जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों स्वच्छता और सफाई को लेकर ग्रामीण स्तर पर विभिन्न योजनाओं को जो है क्रियान्वित करने की भी जिम्मेदारी इसकी होती है। टॉयलेट का सही उपयोग करना, पानी की बर्बादी को रोकने को लेकर के ढेर सारे जागरूकता कार्यक्रम चलाने के जो है अधिकार जो है दिए जाते हैं आपके क्षेत्र पंचायत को। दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण शिक्षा की समिति को दायित्व को निर्वहन करना, विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात देखकर अध्यापक को नियुक्त करना, बच्चों को स्कूल में ड्रॉप आउट की स्थिति को जानना समझना, उस पर विचार करना, उसके साथ साथ समितियों को प्रेरित करने की जिम्मेदारी भी क्षेत्र पंचायत की होती है। क्षेत्र पंचायत जो हमारे प्रमुख होते हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों, जो कि बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव। दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 15(2) के तहत क्षेत्र पंचायत सदस्य की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्य द्वारा लिखित रूप से नोटिस पर सभी का हस्ताक्षर करके किसी उसमें से किसी एक व्यक्ति को अपने हाथ से जिलाधिकारी को वो ज्ञापन देना पड़ता है, वो नोटिस देना पड़ता है। उसके बाद जिलाधिकारी एक माह के अंदर ही क्षेत्र पंचायत की एक बैठक बुलाएगा और उस बैठक के अध्यक्ष उसका पीठासीन करेगा, जो भी SDM वगैरह वहाँ का अधिकारी पीठासीन रहेगा वो उसकी बैठक की अध्यक्षता करेगा। उसके साथ इस बैठक में अविश्वास संबंधी प्रस्ताव पर वाद विवाद होगा जिसकी समय अवधि 2 घंटे होगी। 2 घंटे में अगर बात क्लियर नहीं होती है, अगर चुनाव होना निश्चित है तो फिर क्या होगा, 2 घंटे में ही वो अपने आप 2 घंटे के बाद जस्ट वो अपने आप जो है वो वाद विवाद निरस्त हो जाता है। वाद विवाद को निरस्त होने के जस्ट बाद क्या होता है कि अपना गुप्त मतदान के लिए पीठासीन जो है प्रस्ताव को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे पीठासीन अधिकारी किसी भी गुण दोष पर अपनी मत नहीं देता और नहीं बोलता है, उसे मत देने का अधिकार नहीं होता, बस उस जो बैठक है उसको संचालित करने का देखने का उसकी जिम्मेदारी होती है। यदि प्रस्ताव पारित हो गया तो पीठासीन उस रिजल्ट को पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चिपका देगा और नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के ठीक 1 दिन बाद जो प्रमुख होगा वो अपने पद को छोड़ देगा। लेकिन अगर किसी कारण बस वो बैठक नहीं हो पाई, कोरम नहीं पूरा हो पाया, तो उसी उक्त तिथि से 1 वर्ष के अंदर कोई भी दूसरी नोटिस स्वीकृत नहीं की जा पाएगी। दोस्तों ये तमाम जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ आप क्षेत्र पंचायत के बारे में काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। चीज़ें तो और बहुत कुछ हैं लेकिन हम एक छोटे से वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। आगे फिर मैं बताता रहूँगा। वीडियो अच्छा लाइक करेगा, चैनल पर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। जय हिंद, बाय दोस्तों।